झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई थी कि राज्य में 10 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। कल रात से ही रांची में भारी बारिश देखने को मिल रही है और इस वक्त भी राजधानी रांची में बारिश हो रही है। इसके अलावा 11 से 13 सितंबर तक पूरे राज्य में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र के कारण झारखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर जो है उसकी शुरुआत हो गई है। आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में इसका असर दिखाई दे रहा है। वहीं राज्य में 11 सितंबर यानी आज से दक्षिण पूर्वी कोल्हान संताल के इलाकों में, साथ ही उत्तर पूर्वी कोयलांचल के कई इलाकों में भारी बारिश और बादल गरजने की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा 12 सितंबर के दिन राज्य के उत्तरी छोटा नागपुर और राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। 12 सितंबर के दिन राज्य के उत्तरी हिस्सों में मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने 14 और 15 सितंबर को लेकर भी अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार इन दोनों दिनों राज्य के कई इलाकों में हल्के से भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। पिछले कई दिनों से राज्य की राजधानी समेत कई जिलों में हो रही छिटपुट बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ ही किसानों को भी अपने खेतीबाड़ी के लिए राहत भरी बारिश जो है अब वो देखने को मिल रही है, जिस कारण अब वो किसान भी खुश हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि खेती के लिए समय में थोड़ी देरी हो गई है। गौरतलब है कि गत दिनों सामान्य से कम बारिश होने के कारण राज्य के कई इलाकों में सूखे के हालात उत्पन्न हो गए थे। हालांकि बीते दिनों से जो बारिश हो रही है और आने वाले 15 सितंबर तक जो बारिश होगी ये कहीं ना कहीं किसानों को लाभ पहुंचा सकती है। हालांकि जिस तरह से राज्य में सुखाड़ के जो स्थिति बनी हुई है इसको लेकर विभाग भी लगातार समीक्षा कर रहा है और समीक्षा करने के बाद से किसानों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सकता है इसको लेकर भी सरकार रणनीति बना रही है। वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह से मौसम विभाग ने 10 सितंबर से यानी कल से जो भारी बारिश का अनुमान लगाया था उसके अनुसार राजधानी रांची के आसपास के इलाकों में भी बारिश देखने को मिल रही है और ये बारिश की जो संभावना है 15 सितंबर तक जारी रहने की उम्मीद है। अपने सहयोगी जयंत के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया।